महाशिवरात्रि पर 3 साल बाद बना महासंयोग धन समृद्धि के लिए लाभकारी। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर चंद्र माह के 14वें दिन या अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि होती है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फरवरी मार्च में आने वाली महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इस रात धरती के उत्तरी गोलार्धर की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस दिन प्रकृति इंसान को अपने आध्यात्मिक चरम पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। इसका लाभ उठाने के लिए इस परंपरा में हमने एक खास त्योहार बनाया जो रात भर चलता है। ऊर्जा के इस प्राकृतिक चढ़ाव में मदद करने के लिए रात भर चलने वाले इस त्योहार का एक मूलभूत तत्व यह पक्का करना है कि आप रीढ़ को सीधा रखते हुए रात भर जागे। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। तीनों भुवनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरा को अर्धांगनी बनाने वाले शिव प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा जीव है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सांपों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयंकर ज्वाला है। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च 2019 को शाम 16:28 से आरंभ होगा। दिलचस्प बात यह है कि दिन सोमवार पड़ रहा है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का व्रत नक्षत्र के हिसाब से मंगलवार 5 मार्च 2019 को रखा जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है और इस दिन व्रत रखकर शिव जी की आराधना करने से कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। कहते हैं कि अगर शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं, तो भगवान शिव से आसानी से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। शमी के फूल भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। पूजा के दौरान इन फूलों को अर्पित करने से घर में अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही शमी का वृक्ष लगाने से शनि भगवान से जुड़े सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को बेला के फूल चढ़ाने से सुंदर और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अलसी के फूल अर्पित करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कनेर का फूल भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताओं को प्रिय है। माना जाता है कि पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव को क्या ना अर्पित करें। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अत्यंत भोला और सभी की मनोकामना पूरा करने वाला माना गया है। भगवान शिव को खुश रखने के लिए भक्त सोमवार के दिन इनकी या शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में कुछ चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है जिससे नकारात्मक असर मिलता है। शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शिव ने विष्णु भक्त शंखचूड नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव जी या शिवलिंग की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर तिल को नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिव जी या शिवलिंग को अर्पित नहीं किया जाता। भोलेनाथ को साबुत चावल अर्पित करने चाहिए, लेकिन गलती से भी टूटा या आधा चावल ना चढ़ाएं, ऐसा करना शुभ माना जाता है। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर हल्दी भी ना चढ़ाएं। नारियल या नारियल पानी को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है जिनका संबंध भगवान विष्णु से है।